Welcome back to my channel and thanks for clicking this new video. In this lesson we will talk about the most important Indian literary figure, RK Narayan. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. RK Narayan 1906 2001 पाइनियर एंड फाउंडर ऑफ़ इंडियन इंग्लिश फिक्शन भी कहा जाता है एक फिक्शनल टाउन है मालगुडी एम ए एल जी यू डी आई मालगुडी इज़ अ फिक्शनल टाउन लोकेटेड इन साउथ इंडिया इन रमंदापुरम Ramanathapuram. -A -A in the novels and short stories of R.K. Narayan, it formed the setting of most of the Narayan works. Malgudi is most important place in Indian fiction. एमसीक्यूज जो है लास्ट टाइम पीपीएससी में भी पूछा गया था कि जो आर के नारियान के नावल की सेटिंग होती है वो किस पर रखी गई है तो वो मालगुडी एक फ़िक्शनल टाउन है जो कि इन्होंने खुद क्रिएट किया था और इनकी जो मोस्टली इनके नावल्स की जो स्टोरीज़ होती है वो इसी एरिया पर बेस करती है इनको आर के को साहित्य एकेडमी अवार्ड जो कि इंडिया का सेकंड लिटरेरी लिटरेचर अवार्ड है वो इनको मिला था यानी कि ये फर्स्ट विनर हैं इस अवार्ड के इनके करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं आर के टिपिकली पोर्ट्रेट द ह्यूमन रिलेशनशिप एंड दर्नी ऑफ इंडियन डेली लाइफ इन विच मॉडर्न अर्बन एग्जिस्टेंस क्लैश ऑफ एंशियन ट्रेडिशन यानी कि ये इनकी लिटरेरी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये ह्यूमन रिलेशंस को डेली लाइफ के साथ इस तरह एरानिकल वे में प्रेजेंट करते हैं कि जो हमारी एनशियन ट्रेडिशंस हैं उनको मॉडर्निटी के साथ इमर्ज करके एक ह्यूमरस वे में हमें प्रेजेंट करते हैं इनके करैक्टरिस्टिक्स इसके अलावा एलिगेंस सिंपलिसिटी और जेन्यनस हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलती है यानी कि ये अपने वर्क में हमें जैन्यस और सिंपलिसिटी के थ्रू इंडिया की जो ट्रेडिशंस हैं उसको मॉडर्निटी के साथ इमर्ज करके हमें क्लैश के तौर पर दिखाते हैं इनकी एक टेक्निक हम देखते हैं लिटरेरी टेक्निक इनकी कौन सी है मोस्टली अगर हम देखें हमारे पास जो नावल आते हैं उसमें फ़र्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन नरेटिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है या तो स्टोरी नरेट कर रहा होता है राइटर खुद या फिर किसी और पर्सन के थ्रू हमें स्टोरी सुनाई जाती है लेकिन आर के नरियान जो हैं इनके इनकी एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है कि ये वेरियस नरेटिव परसपेक्टिव यूज़ करते हैं इनकी स्टोरी जो है वो शिफ्ट कर जाती है बैक एंड फॉरवर्ड बिटवीन द फर्स्ट एंड दर्सन नरेटिव एंड मोस्ट ऑफ़ द टाइम जम्प इन डू इन टू दर्ड पर्सन यानी कि अगर स्टार्टिंग में हमें एक फर्स्ट पर्सन दिखाई दे रहा है तो सेंटर में जाके वो जो है वो थर्ड परसन नरेटिव पर स्टोरी शिफ्ट कर जाती है ये टेक्निक हमें इनके नावल्स में देखने को मिलती है थीम डिस्कस करते हैं फैमिली एंड वेरियस फैमिली रिलेशनशिप ये अपने वर्क में हमें फैमिली जो कि हमारी सोसाइटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है उसके रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं इसके साथ साथ जो क्लैश होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी यानी कि जो हम आजकल एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ट्रेडिशन का और मॉडर्निटी का मॉडर्न लाइफ और ट्रेडिशन के दरमियान जो क्लैश चल रहा होता है वो इनको अपने वर्ड्स में दिखाते हैं द ईस्ट एंड वेस्ट एनकाउंटर इसके बारे में भी बताते हैं और एजुकेशन को भी ये अपने उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और ये इनका मोस्ट इम्पॉटेंट थीम है अब इनके कुछ वर्ड्स देखते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है मालगुडी की कहानियाँ बुक है माय आर के नारीान द गाइड जिसको uh, साहित्य अकेडमी अवॉर्ड भी मिला था स्वामी एंड फ्रेंड नावल आर के नारीन है द इंग्लिश टीचर द बैचलर ऑफ़ आर्ट है महात्मा का इंतज़ार जो कि इंग्लिश में इसको हम वेटिंग फॉर महात्मा भी कहते हैं इसके साथ साथ इनके एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क हैं द डार्क रूम ये भी इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इसके साथ आ, साथ एक और वर्क है मालगुडी का आदमखोर एक और इनका वर्क है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है अ टाइगर फॉर मालगुडी यहाँ पर हमने देखा कि इनके मोस्टली जो नावल हैं उसमें हमें मालगुडी वर्ड देखने को मिलता है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि आगे फर्दर इसमें इंडियन फ़िक्शन में बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ भी लिखी जाती हैं और इस पर फ़िल्म वगैरह भी बनाई जाती हैं इस एरिया पर क्योंकि ये फ़िक्शनल टाउन है जो आर के नारायण ने इंट्रोड्यूस करवाया था अपने वर्क्स में अब एंड पर हम देखते हैं कि इंडिया के दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं वो अवार्ड्स हैं सबसे पहले जो है जनानपृत अवार्ड आता है फिर उसके बाद साहितिया अकेडमी अवार्ड एस ए आई टी ए वाई ए एहितिया अकेडमी अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो फर्स्ट विनर इसमें जो है इनको कहा गया मिला था आर के नारायण को और आर के नारायण ने अपनी लाइफ में टोटल थर्टी फोर नावल्स लिखे थे और इनको सिवरल टाइम नोबल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था ये इनका कुछ इंट्रोडक्शन था आगे फर्दर इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल होंगे इनको हम समराइज़ भी करेंगे और एनालाइज भी और मालगुडी जो एक्शनल टाउन है इसको भी देखेंगे कि इसको इन्होंने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू किस तरह क्रिएट किया है